तो दोस्तों रात के 2 बज चुके हैं, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों सुबह के 4 बजे मैं ढूंढ रहा हूँ रेस्ट करने के लिए कोई जगह। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मिस्टर को के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो बाकी बिना देरी किए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ विष्णुपद, विष्णुपद में पिंडदान का देखता हूँ, फिर उसके बाद मेन बौद्ध गया जा रहा हूँ। तो पहले अभी नाश्ता वगैरह कर लो, बाकी देखते हैं। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन से जो विष्णुपद टेम्पल है वो 3 किलोमीटर की दूरी पे है और 20 रुपये का भाड़ा लगेगा। वैसे मैंने लिया नहीं है अभी, एक तो अगर कचहरी से और 10 रुपये कम हो जाएगा तो और बढ़िया है। तो कचहरी तक मैं चल के ही जा रहा हूँ, तो वहाँ से 10 रुपये लेंगे कह रहे हैं। बाकी वहीं पर चल के आपसे मिलते, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो मेरी वॉइस भी शायद आएगी नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो दोस्तों मैं विष्णुपद पहुँच चुका हूँ, अब यहाँ पर देखता हूँ पिंडदान का क्या क्या है, किस तरीके से करना है करते। तो अभी मैं अंदर घुस रहा हूँ। तो रेलवे स्टेशन से अगर आप चल रहे हो विष्णुपद के लिए तो 20 रुपीस लेंगे। तो ऑटो बुक मत करवाना, शेयर में बोलना, शेयर में सही पड़ेगा आप लोगों को। ये देखो ये सामने मंदिर दिख रहा है, श्री विष्णु जी का टेम्पल है। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, तो करना है मुझे अभी पिंडदान। तो मैं मंदिर के सामने पहुँच चुका हूँ, तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है। यहाँ पर लगा हुआ है सारे माला वगैरह, तो मुझे भी एक माला लेना था, जाप माला बैल का, वो देखते हैं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं नीचे घाट की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर पिंडदान होते हैं। तो अभी पूछूँगा यहाँ पर, फिर उसके बाद सब कुछ वो करके फिर पैसे वगैरह निकालने के लिए भी आना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पूछ लो, पता कर लो क्या है, किस तरीके से होगा, तो उसके बाद बाकी की चीज़ें करेंगे। तो ये अभी जा रहा हूँ मैं पंडित जी के साथ। दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ फाल्गुन नदी के बगल में, और ये पिंडदान हो रहा है मम्मी पापा का। तो अब 4 धाम में से 3 धाम हो चुका है, और 3 धाम में रास्ते में गया जी पड़ते हैं, तो यहीं पर पिंडदान भी करना था। तो उसके बाद अब सीधे बद्रीनाथ के यात्रा करते वक्त होगा जो भी होगा। तो दोस्तों ये पिंडदान हो गया है मेरा, सब कुछ पंडित जी वगैरह ने अच्छे तरीके से कर दिया। दोस्तों वहाँ से निकल चुका हूँ, अब थोड़ा मंदिर विष्णुपद मंदिर के दर्शन करके फिर मैं सीधे निकलूंगा थोड़ी देर बुद्धगया की तरफ, वहाँ पर भी देखना थोड़ा सा सीताकुंड भी दर्शन कर, उसके बाद फिर सीताकुंड भी दर्शन करके निकलना है। दोस्तों विष्णुपद का दर्शन हो चुका है, वहाँ पर माना जाता है विष्णु जी ने अपने पैर से गया जी के छाती में पैर रखा था, तो गया सूर के छाती में जब पैर रखा था तब जाके ये मंदिर प्रसिद्ध है इसीलिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी अभी मैं जा रहा हूँ सीताकुंड में, जहाँ पर सीता जी ने भी पिंडदान किया था, वो भी देखने के लिए वहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आया हूँ तो वहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मतलब रोज एक पिंडदान एक मृत शरीर आता है, तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा पिंडदान का चल रहा है। तो मेरा तो हुआ था वहाँ नदी के किनारे में, तो मैं तो काफ़ी खुशकिस्मत हो कि मेरा नदी के किनारे पे हुआ, तो काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं जा रहा हूँ सीताकुंड की तरफ। तो ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ का, तो आप कभी भी आओ तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा चीज़ें है, मतलब जिनको भी पिंडदान वगैरह करना है को भी संतुष्टि मिल गई। हर बेटा नहीं कर पाता ना, मतलब अपने बाप के लिए, या हर मतलब किसी के किस्मत में नहीं होता ये चीज़, तो खुद को काफ़ी किस्मत वाला समझ रहा हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, अभी अच्छा लग रहा है। दोस्तों मैं सीताकुंड पहुँच चुका हूँ, और सीताकुंड की हसबत ये है कि सीता जी ने भी राजा दशरथ को पिंडदान किया था, तो यहीं से किया था, इसी जगह से, तो ये देख सकते हो क्या था। राम जी ने भी इसी जगह से थी, लेकिन ये प्रचलित इसलिए है क्योंकि लड़की ने पहली बार अपने ससुर को पिंडदान किया था, मतलब एक औरत ने, तो सीता माता ने ऐसे अपने ससुर को, वो भी पिंडदान आटे का नहीं हुआ है, सामग्री का नहीं, रेत का पिंडदान किया था उन्होंने, तो तब ये कुंड बना हुआ है। बाकी ये कुछ इस तरीके का है, गंदा काफ़ी है, अभी डेवलप होना बाकी है। बाकी चलिए, आप भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं तो खाना खाऊंगा मैं। तो दोस्तों अब निकल रहा हूँ मैं बौद्ध गया में,
जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं कि वो पीपल का पेड़ आज भी वहीं पर है, देखते हैं वहीं पर जाके आप। दोस्तों मैं बुद्ध गया मेन मार्केट पर पहुंच चुका हूँ। तो ये है कुछ बुद्ध गया का मेन मार्केट का नज़ारा। तो ये म्यांमार बिहार बुद्ध गया। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये म्यांमार बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री टेक्निक से बनाए हैं। बाकी अभी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ जहाँ पर जिन्हें जो मेडिटेशन किया था वो पेड़ देखने का। तो दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पर यहाँ पर महाबुद्ध टेम्पल जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ये एंट्रेंस है, तो यहीं से जाना हमने। चलते हैं अंदर, चीज़ें देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर भी मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, सो मैं यहाँ पर मोबाइल जमा कर रहा हूँ, बाकी बाहर आके आपसे बात करें। मैं बाहर आ चुका हूँ, तो मोबाइल वगैरह तो अंदर ले जाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा था। आज 2022 का फर्स्ट पूजा था जिसमें लाखों मॉन्क्स वगैरह आ रखे थे अंदर। तो लाखों अभी थोड़ी देर बाद तो लाखों मॉन्क्स आ रखे थे, पूजा चल रही थी और आज श्राद्ध भी किया और साथ साथ मतलब इस पूजा में भी शामिल हुआ। तो अंदर काफ़ी मतलब मंत्रों का जाप वगैरह हो रहा था, मैं तो वहीं बैठा रहा आधा एक घंटे तक। बाकी आप जा रहा हो रूम की तरफ, तब तक स्टे क्यों। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं एक छोटी सी बच्ची इतनी अच्छी तरीके से ट्रेन हो रही है, तो ये इतनी पतली रस्सी में चल रही है। मतलब ये इतनी ट्रेन हो चुकी है भाई साहब, मैं उसी को देखते हुए आ रहा था। चलो आप जाते हैं रेलवे स्टेशन के बगल में रूम की तरफ। मॉर्निंग गाइस, पिंडदान वगैरह हो चुका था कल, तो आज मैं निकलने वाला हूँ दिल्ली। दिल्ली से फिर मैं निकलूँगा सीधे देहरादून के बाद, फिर वहाँ पर अपने दोस्त का इंतज़ार करना है, बाकी का प्लान हम वहीं से करेंगे। तो चलिए अब बिना देरी के निकलते यहाँ से। गेहूँ पड़ गया था मुझे 600 में, 3 दिन रुका था, बाकी काफ़ी अच्छा था, यहाँ रेलवे स्टेशन के सामने है। बाकी चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं स्टेशन के बाहर हूँ, पहुँच चुका हूँ स्टेशन में। तो अब यहाँ से जनरल टिकट लेकर दिल्ली की तरफ मूव होना है, तो चलिए अब अंदर सीधे चलते हैं। दोस्तों यहाँ से मैंने टिकट ले लिया है, 290 रुपीज़ का टिकट पड़ा और 3 नंबर पे गाड़ी खड़ी है, तो मैं 3 नंबर पे सीधे जा रहा हूँ। तो अभी खुली नहीं है, तो यहीं से खुलती है, तो अच्छा हुआ कि मैं पहले सीट रिजर्व करके रख लूँगा, बाकी आप रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। चलिए दोस्तों मैं अंदर आ चुका हूँ, तो बैग भी यहीं पर सिलवा लिया था, तो अभी ट्रेन खुली नहीं है, यहीं से स्टार्ट होगी। तो बस आई थिंक मुझे जगह मिल जाएगी लग रहा है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगी तो भीड़ होगी नहीं, तो रास्ते में ही होगी भीड़, कानपुर वगैरह से होगी दिल्ली के लिए। तो बाकी बस यहीं पर बैग रख रखा है, करीब 2:10 के करीब ट्रेन आएगी, फिर 2 बजे चलेगी यहाँ से, तो चलिए वेट करते हैं। फाइनली दोस्तों मैं जनरल कंपार्टमेंट के अंदर घुस चुका हूँ, ये सीट भी मिल चुकी है, ये मेरी सीट। तो जल्दी जल्दी घुसना था तो जल्दी जल्दी घुस ही लिया, तो आप निकलते हैं और आपसे मिलते सीधे दिल्ली में। तरीके का ना जा रहा है जनरल अभी। तो दोस्तों रात के 2 बज चुके हैं, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल अभी ट्रेन कहाँ आती है, बस अब पहुँचने वाला हूँ वहाँ पर। 150 रुपीज़ में हॉस्टल है, तो 3 बजे की मेरी ट्रेन है वहाँ से देहरादून के लिए, तो दिन भर मैं हॉस्टल में, और क्योंकि प्लेटफॉर्म पिकअप भी उतने का पड़ रहा था और हॉस्टल भी इससे बढ़ गया, तो मैंने हॉस्टल किया वहीं बगल में। बाकी सीधे स्टेशन में आपसे। तो सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं। अब यहां दिन के 3 बजे मेरी ट्रेन है, तो अभी जो हॉस्टल मैंने बुक किया था हॉस्टल की तरफ जा रहा हूं। बहुत ठंड है यार, टोपी लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों सुबह के 4 बजे मैं ढूंढ रहा हूं रेस्ट करने के लिए कोई जगह, वो जगह 150 रुपीज़ की थी, लेकिन यहाँ से 5 घंटे दूर दिखा रहा था मैप, तो मैं दूसरी जगह ढूंढने निकल पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ठंड है और मुझे रेस्ट लेना है, क्योंकि
नींद पूरी नहीं हुई है मेरी, तो अभी रेस्ट लेने के बाद अभी देखता हूँ कोई सस्ता रूम मिल जाए, डोरमेट्री मिल जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों मैं रूम पे पहुँच चुका हूँ और ये पड़ गया था मुझे रूम 300 के करीब, क्योंकि डे डे में रहना था और मैं सोया नहीं था तो नींद पूरी करनी थी, सर दर्द हो रहा था तो रेगुलर ट्रैवलिंग करने की वजह से। तो बाकी ये रूम लिया था, अभी टाइम हो चुका है 1:30 हो चुका है दिन का, तो अब मैं निकल रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ, कुछ खाता हूँ फिर उसके बाद ट्रेन निकलेगी 3:30 को यहाँ से और रात को पहुँचा देगी मुझे देहरादून, और देहरादून में आएगा मुझे मई लेने के लिए स्कूटी से। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर घुस चुका और बाहर आपको बहुत सारे दल्ले मिल जाएंगे जो आपको बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, टिकट वगैरह लेंगे, लेकिन इनके स्कैम में मत फंसना, बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। बाकी अंदर जा रहा हूँ मैं। दोस्तों ये है न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन, टोटल 16 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। तो बस अब जा रहा हूँ 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे मैं, तो अब 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही गाड़ी खड़ी है तो बैठ जाता हूँ मैं अंदर जाके। दोस्तों मैं नीचे पहुँच चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे, तो ट्रेन खड़ी है, ये है देहरादून जन शताब्दी, तो ये 5 घंटे में मुझे देहरादून पहुँचा देगी, मतलब रात को 9 बजे के करीब। अब चलिए अंदर चलते हैं, D4 मेरा कोच है। फाइनली दोस्तों मैं ट्रेन के अंदर घुस चुका हूँ और यहाँ पर हमारे सर भी मिले, तो अभी इनके बारे में बाद में बताऊँगा। बाकी ये है तो ये मुझे 9:30 के करीब छोड़ देगी, तो मेरा D2 में था तो सर का टिकट हुआ नहीं था, तो हमने टीटी सर से रिक्वेस्ट किया कि दोनों का एक साथ करवा दो करके, तो D7 में हमें शिफ्ट कर दिया। बाकी स्टे ट्यून। तो फाइनली दोस्तों मैं देहरादून पहुँच चुका हूँ, 9:30 हो रहे हैं और फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ देहरादून स्टेशन। अभी दोस्त आएगा मेरा लेने के लिए, तो अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसे। बाकी यहाँ पर हमारे गुवाहाटी के भैया लोग मिले और यहाँ मैं इनमें से एक और भैया मुझे मिले, वो है ट्रैवलर, ये भी ट्रैवलर है, तो वाइब्स मैच कर रही थी, तो भैया लोग भी यहीं देहरादून तक आ रहे थे तो साथ में बात चली। बाकी चलिए अब सीधे घर जाके आपसे बात कर रहे, तब तक स्टे ट्यून। तो ये उतर चुके हैं हम लोग, तो बाकी अभी मैं गया, मैं को कॉल करता हूँ, स्कूटी में जाना है तो ठंड से मर जाऊँगा, क्योंकि फिर प्रेमनगर जंगल एरिया है तो ठंड से मर जाऊँगा। तो बाकी अब भाई बहुत दिनों बाद घर जा रहा हूँ, तो कल और परसों पूरे दिन सो जाऊँगा मैं। तो चलिए बाय। तो दोस्तों फाइनली इस चढ़ाई को बहुत ज़्यादा मिस किया और हम नीचे उतर गया, चल अब वहाँ नीचे तक अब जाके खाना खा के हाथ मुंह धो के सीधे सो जाऊंगा। तो फाइनली गाइस मैं देहरादून पहुंच चुका हूँ, काफी अच्छा लग रहा है, खाना खा रहा हूँ सीधे सो जाऊंगा।